जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान रीट 2025। जी हाँ साथियों, राजस्थान में रीट भर्ती जो है वो 2025 में होने जा रही है। उसका एग्ज़ाम का जो आइडिया है वो भी अपने को मिल चुका है कि जनवरी में अपना एग्ज़ाम होने वाला है। ये एक पात्रता परीक्षा है साथियों। अगर आप थर्ड ग्रेड में टीचर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको ये प्री एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। फिर इसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है और फिर जैसे ही मेंस एग्ज़ाम होता है तब उसमें तभी बैठ पाओगे जब आपके पास प्री का ये क्वालिफाई होगा, सर्टिफिकेट होगा। ठीक है साहब, तो ये एक प्री एग्ज़ाम समझो आप, जैसे हम RAS प्री देते हैं, UPSC में प्री देते हैं, इस प्रकार से ये एक प्री एग्ज़ाम है थर्ड ग्रेड टीचर में लगने के लिए। जो BEd वाले हैं वो कक्षा 6 से लगा करके 8वीं तक के बन जाते हैं लेवल 2 में, और जो BSTC वाले हैं वो लेवल 1 के अध्यापक बनते हैं 1ली से 5वीं तक के। ठीक है, तो ये प्री एग्ज़ाम है, इस प्री एग्ज़ाम को अपने को पास करना पड़ेगा, उसके बाद हम मेन्स एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो इस प्री एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या योग्यता है, क्या नियम शर्तें हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो BSTC BEd फाइनल में चल रहे हैं, यानी सेकेंड ईयर में चल रहे हैं, वो तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको पहले भी बता दिया है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो अब 2024-25 के सत्र में फर्स्ट ईयर BSTC है, फर्स्ट ईयर BEd है, स्पेशल BSTC स्पेशल BEd वाले हैं, जो फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए क्या मामला है, क्या बातें हैं, वो हम चर्चा करने वाले हैं। शॉर्ट नोटिस जो जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल में। आओ जी फटाफट से इस डाउट को खत्म कर लेते हैं। बहुत सारे भाई बहनों के ये सवाल हैं, रीट भर्ती 2025 आ चुकी है, कौन कौन होंगे पात्र, उस पर चर्चा करेंगे। BSTC एंड BEd फर्स्ट ईयर वाले भर सकते हैं या नहीं, इसकी हम चर्चा करेंगे। स्पेशल BSTC एंड BEd वालों की भी चर्चा करेंगे, जो विशेष शिक्षा है, शॉर्ट नोटिस जारी, थर्ड ग्रेड भर्ती महिला पुरुष। जी हां साथियों, ये थर्ड ग्रेड भर्ती होती है रीट की। इस रीट को आप पास करते हो तो आप लेवल 1 और लेवल 2, इस लेवल 1 में साथियों BSTC वाले आते हैं, ठीक है, और लेवल 2 में साथियों BEd वाले आते हैं। ठीक है साहब, तो BSTC वाले जो हैं वो 1 से 5 तक, और BEd वाले हैं वो 6 से 8 तक के मैडम मास्टर बनते हैं। ठीक है साहब, तो ये एक रीट जो होता है साथियों, ये रीट एक प्री एग्ज़ाम होता है। इस प्री एग्ज़ाम को अगर आप पास कर लेते हो तो आपके पास रीट पात्रता का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आप रखो, फिर आप उसमें पास हो जाते हो तो मेंस एग्ज़ाम होता है साहब। थर्ड ग्रेड की भर्ती आती है, क्या आती है साहब, थर्ड ग्रेड की भर्ती आती है, और उसमें साथियों फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, और उस मेंस एग्ज़ाम में वही बैठ पाएगा जो कि प्री पास कर पाएगा। ठीक है साहब, समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल साहब समझ गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे की, थोड़ी सी कि मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ इसमें। देखो भाई, प्री एग्ज़ाम तो क्या है, रीट है। बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि साहब ये रीट क्या है, तो ये रीट एक प्री एग्ज़ाम होता है थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए। क्या साहब? थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए, लेवल 1 लेवल 2 के लिए। ठीक है जी, अब इसमें कौन कौन बैठ पाएगा प्री रीट में? ये रीट है ना जो 2025 की है, ठीक है साहब, ये आ चुकी है, बिल्कुल इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्री रीट है, इस प्री रीट में साथियों कौन कौन बैठ सकता है? फाइनल वाले, यानी कि BSTC एंड को छोड़ दो तुम, BSTC और BEd, ठीक है जी। तो जो फाइनल वाले हैं, FINAL फाइनल ईयर वाले जो हैं, वो तो सारे के सारे क्या कर सकते हैं साहब, बैठ सकते हैं, पात्र हैं, वो तो क्या हैं, पात्र हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा इनको, तो ये तो बैठेंगे ही बैठेंगे। जो 2024 में फाइनल ईयर में हैं वो तो बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है सेकेंड ईयर वाले तो। लेकिन अब बात ये अटकी पड़ी है साहब कि जो 2024 में फर्स्ट ईयर में हैं, क्या हैं साहब, फर्स्ट ईयर में हैं, उनका क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, सरकार हमने आपका नमक खाया है। तो अब देखो साहब, फर्स्ट ईयर में जो भी बैठे हैं, चाहे वो BSTC हो, चाहे वो BEd वाले हो, ठीक
ठीक है जी। अब ये फर्स्ट ईयर में है 2024 में, इन्होंने एडमिशन ही लिया है अभी, ऐसे मान के चलो एडमिशन हुआ है तुम्हारा 2024-25 के सत्र में, तो क्या हम बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते? बिल्कुल बैठ सकते हो आप साथियों, क्या बैठ सकते हो, लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं जी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम प्री का है ये, दे सकते हैं। लेकिन साथियों जैसे ही आपकी भर्ती आ जाती है, क्या साहब थर्ड ग्रेड की भर्ती आ जाती है, थर्ड ग्रेड की भर्ती आ जाती है और उसका साथियों मेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं, तो मेंस एग्जाम से पहले पहले, मेंस एग्जाम से पहले साथियों क्या होना चाहिए, आपके पास में फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का, जो फाइनल ईयर है उसका साहब क्या हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए या उसकी मार्कशीट आपके हाथ में आ जानी चाहिए साहब, तो ही आप मेंस का एग्जाम दे पाओगे, अन्यथा आप नहीं दे पाओगे। अब सोच लो थारा बस की बात के है, फिर सोचो कि साहब BSTC 2024 में तो अभी एडमिशन हुआ है, इसका तो अभी एग्जाम भी नहीं हुआ, BSTC 2023 वाले ही बेचारे अटके पड़े हैं, इनका भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, तो भर तो सकते हैं साहब, फॉर्म तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BEd में फर्स्ट ईयर है, BSTC में भी फर्स्ट ईयर में है, सारा का सारा फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन साहब कहीं दिक्कत आओगी, दिक्कत यह आएगी कि मेंस एग्जाम अगर आपका अभी हो जाता है, थोड़े दिन में ही हो जाता है, तो आप फिर मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। अगर आपका मेंस एग्ज़ाम लेट होता है, एक साल बाद होता है, तो साहब आपकी फाइनल ईयर भी हो जाएगी और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आप एग्ज़ाम दे पाओगे मेंस एग्ज़ाम, जिसके लिए टीचर बनते हैं और आप नौकरी भी लग जाओगे, समझ रहे हो। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप फर्स्ट जो फर्स्ट एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है, इसके लिए अगर आप पात्र हैं तो भर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हो। लेकिन साथियों मेंस एग्ज़ाम तब तक होगा जब तक आपके पास रिजल्ट होगा या आपके पास मार्कशीट होगी, तो ही आप मेंस एग्जाम की जो लास्ट डेट रहेगी ना फॉर्म भरने की, मेंस एग्जाम जैसे मान लो फर्स्ट, अब तो तुम रीट पात्रता का फॉर्म भर रहे हो, बिल्कुल साहब फॉर्म शुरू हो जाएंगे अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो आप इसमें भर दोगे, दीपावली बाद में फॉर्म भर दोगे, मान लो नोटिफिकेशन आगे और फॉर्म चालू होगा तो एने तो भर दो, कोई बात ना, परीक्षा भी दे दो, पास भी हो जाओ और झारखंड सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, ठीक है साहब। लेकिन अगर मान लो 2025 में फिर थर्ड ग्रेड के लिए मेंस एग्जाम का फॉर्म चालू करवा दी कि भैया मेंस एग्जाम के फॉर्म भी शुरू हो गए हैं 6 महीने बाद ही, तो फर्स्ट ईयर आड़ा तो कैसे कर दिया बेचारा, भी फर्स्ट ईयर ही पास करेगा, फिर सेकेंड ईयर में पास करेगा, एक साल वाला लगेगी हुआ ना लेट, तो फिर थे मेंस एग्जाम कौन दे पाओगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास वो पात्रता का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम रहेगा, आजीवन रहेगा साहब, इसको एक बार आप प्री एग्जाम को अगर आप एक बार पास कर लेते हो तो साथियों ये आजीवन रहेगा, क्या रहेगा साहब, आजीवन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कभी भी मौका मिलता है थर्ड ग्रेड की भर्ती में बैठने का, सीधा मेंस ही दोगा, प्री को झंझट खत्म। अब साहब माने प्रूफ दिखाओ या मैं फर्स्ट ईयर वाला दे सकूंगा के, आराम से दे सकोगा, लो प्रूफ दिखा दूं धन, बिल्कुल साहब प्रूफ देख लो, फर्स्ट ईयर वाला सारा बैठ सकेगा, कोई दिक्कत को नहीं आवे साहब, प्रूफ देख लो। पहले तो ये आपको सबको पता है, इसकी वीडियो हमने बना दी थी, हैं सबने देख ली थी, 11 अक्टूबर 2024 की रीट आयोजन 20 जनवरी के आसपास, यानी कि 20 जनवरी के आसपास जब आपका परीक्षा ही हो रहा है तो फार्म तो नवंबर में ही शुरू हो जाएगा। शिक्षा मंत्री ने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा की है साथियों, इस बार करीब 10 लाख अभ्यर्थी देंगे रीट की परीक्षा, 10 लाख से भी ज़्यादा ही मान के चलो। बोर्ड को ही रीट की जिम्मेदारी मिली है, परीक्षा शुल्क में नहीं होगी बढ़ोतरी, पहली बार अभ्यर्थियों को सवालों में 5 विकल्प मिलेंगे, यानी कि ABCDE 5 विकल्प मिलेंगे था, अगर प्रश्न नहीं आ रहा तो लास्ट वाला करो, ठीक है। दोनों लेवल के लिए 750 रुपये का शुल्क देना होगा, यानी कि दोनों लेवल के लिए भरते हो, जैसे मान लो कुछ भाई बहन ऐसे भी है ना जो साहब BSTC भी कर लिया और BEd भी कर लिया, तो दोनों को एक साथ भर दो फार्म, 750 में मुग्गम में ही काम हो जाएगा। अगर कोई भाई बहन BSTC कर रहे हैं तो 550 लगेंगे, केवल BEd है 550 लगेंगे, ठीक है साहब। तो ये तो हो गई आप फ्री बात, इसलिए आनंद फानम में रीट का आयोजन हो गया, घोषणा हो गई साहब, ठीक है, विदेश जा रहे हैं साहब CM साहब अपने। अच्छा अब देखो हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी वाली, नोटिफिकेशन देखो भाई, नोटिफिकेशन देखो, इसमें जो लिखी हुई है बात वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो साहब, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 का है ये, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये 22 वाला है साहब, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, लेवल 1 और लेवल 2, फीस तो वही रहेगी थारी 550
और दोना को भरोगा तो 750। ठीक है जी, आप देखो ये रीट 2022 में, यह है रीट 2022 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं। इसमें आपको क्या मिलेगा साहब, इसमें आपको द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि उत्तीर्ण हो या फिर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो लेवल 1 से 5 तक, या तो फाइनल वालों का है। ठीक है साहब, फाइनल ईयर वालों के लिए है। ठीक है जी, ये तो भरेंगे ही भरेंगे, फाइनल ईयर तो कोई समस्या ही नहीं है साहब। BSTC को हो गए येलो साहब, BEd को कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इसमें भी साथियों फाइनल ईयर वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल ईयर वाले तो भरेंगे ही भरेंगे भाई, कोई समस्या है ही नहीं इसमें तो, उत्तीर्ण हो या अंतिम वर्ष में हो। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल ईयर वाले तो सारे भरेंगे। अब बात करते हैं साहब फर्स्ट ईयर वालों के लिए, बताओ तो फर्स्ट ईयर वाले भी भर सकते हैं भाई। देखो इसमें मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा अध्ययनरत जो हैं अब फिलहाल में उनके लिए। यहां पर पढ़ो भाई, ये पढ़ो, किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण, यानी कि जो फिलहाल में अध्ययन कर रहे हैं, फिलहाल में एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो सूचना है वो देखो साहब आप। जो व्यक्ति NCT RCI द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत है और NCT द्वारा जारी वर्तमान में वैधानिक रूप से प्रभावी अधिसूचनाओं के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो रीट 2022 में बैठने के पात्र हैं, ये उस समय की थी। किंतु उपरोक्त अध्ययनरत अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जबकि उन्होंने उपरोक्त प्रशिक्षण कोर्स एवं योग्यताएं राज्य सरकार द्वारा प्रचलित एवं प्रभावी नियमों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती, यानी कि भाई लेवल 1 और लेवल 2 के लिए भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए, यानी कि साथियों आपका जो मेंस एग्जाम है उसके लिए, किसके लिए साहब, मेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जब आपका मेंस एग्जाम होगा ना साथियों, तो उस मेंस एग्जाम को जब फॉर्म भरवाए जाएंगे तो उसकी लास्ट डेट तक भाई फॉर्म तो भरवाएंगे ना मेंस एग्जाम के लिए, अभी तो रीट के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं प्री एग्जाम के लिए, तो मेंस एग्जाम के लिए भी फॉर्म तो भरवाऊंगा, बिल्कुल भरवाऊंगा साहब, तो उनकी लास्ट डेट भी रहेगी साहब, तो उन लास्ट डेट तक फाइनल ईयर का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, अन्यथा फिर मार्कशीट होनी चाहिए, ये चीज लिखी हुई है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक इससे पहले समस्त शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताएं आपके प्राप्त प्रतिशत सहित उत्तीर्ण कर लिया हो, यानी कि आपके पास में या तो रिजल्ट होना चाहिए या फिर साथियों आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, तभी जाकर के आप क्या दे पाओगे, मेंस एग्जाम दे पाओगे। ये हो गई क्लियर बात, बिल्कुल साहब। तो जिसका भी एडमिशन हो चुका है अब 2024 में, चाहे वो फर्स्ट ईयर BSTC हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर BEd हो, चाहे वो स्पेशल BSTC हो, चाहे वो स्पेशल BEd हो, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, है ना। और आप मेंस एग्जाम में तभी बैठ पाओगे जब आपके पास फाइनल या तो रिजल्ट आ जाएगा या आपके पास फाइनल मेरिट मार्कशीट आ जाएगी, तभी आप मेंस एग्जाम दे पाओगे। तो यही थी ताजा खबर, आप सभी के लिए खुशखबरी है, पात्रता परीक्षा तो पास करके धर लो, कोई बात ना, फिर भर्ती आओगी तो देखांगा, है ना। तो आई होप आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में समझाते रहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये साथियों आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सभी साथी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं और वहीं पर आपको सारे प्रूफ मिल जाते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।